के साथ स्वाति मिश्रा। बीते दिनों खबरें सुर्खियां बटोर रही थी कि गंगा में लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी था। वहीं एक वीडियो राप्ती नदी में एक कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को राप्ती नदी में फेंके जाने का एक वीडियो बलरामपुर से काफी वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है उस वीडियो में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी में कोविड संक्रमित एक व्यक्ति का शव फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला सामने आने के बाद नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने रविवार को बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के सोहटगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि 25 मई को कोरोना संक्रमित होने पर प्रेमनाथ मिश्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सीएमओ ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रेमनाथ मिश्र के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि वायरल वीडियो में शव को राप्ती नदी में फेंकते हुए देखा गया और इस संबंध में कोतवाली नगर में मामला दर्ज भी करवा दिया गया है। मामले की जांच भी की जा रही है। ये वीडियो दो युवक एक शव को पुल से राप्ती नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। शव फेंकने वाले दोनों युवक में से एक पीपीई किट पहने नजर आ रहा है। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के राप्ती नदी पर बने सीसी घाट पुल की बताई जा रही है। फिलहाल नगर कोतवाली में मामला दर्ज करवा दिया गया।